स्वामी विवेकानंद जयंती है। संपूर्ण देश हर्ष और उल्लास के साथ जयंती मना रहा है। स्वामी जी का जीवन स्वच्छ एवं सरल स्वभाव का रहा। इस मौके पर न्यूज टीवी इंडिया स्वामी जी की कुछ अनछुई जानकारियां अपने दर्शकों से साझा करना चाहता है, जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। हम बताएंगे आपको कि एक नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने तक की हकीकत का सफर, जो आपकी सोच से भी परे है। उनके जीवन के कुछ ऐसे पल जिन्हें खोजकर आप तक पहुंचाने में हमें गौरव की अनुभूति हो रही है। देखिए माउंट आबू से हमारे संवाददाता किशन वासवानी की एक रिपोर्ट। स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व भर में बंधुत्व, प्रेम व एक दूसरे को भाई बहन मानने व समझने का जो संदेश दिया था, उसे तो सब जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि 1891 में उनके धर्म संसद में माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के उद्बोधन से शुरू व्याख्यान की भूमिका व उनके इस धर्म संसद में भाग लेने की रणनीति राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में बनी थी, जिसको सुनकर सभी न केवल चौंक उठे अपितु मंत्रमुग्ध हो गए। दिल्ली से जयपुर पहुंचने पर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि सत्य अनुसार विश्व की पावन भूमि राजस्थान की धरती पर एक ऐसी जगह भी है जो कि पृथ्वी की 3.3 अरब पुरानी धाती है, यानी अरबुदांचल पर्वत जो कि आज भी विद्यमान है। वहाँ पर एक रात मात्र गुजारने से ही बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। 1891 में श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद अप्रैल से जून तक माउंट आबू में रहे थे। ये बहुत ही रोचक है कि आप जब दिल्ली से अलवर पहुंचे तो वहां उन्हें बताया गया कि अगर उन्हें पाणिनि की व्याकरण सीखनी है तो जयपुर जाना होगा। और जब वो जयपुर पहुंचे तो वहां के राज के सेनापति थे, उनके अतिथि बने, और वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि अगर वो अरबुदांचल नहीं गए तो पृथ्वी के किसी भी पावन भूमि में नहीं गए, क्योंकि विश्व की पावन भूमि सबके अनुसार और आज भी ये माना जाता है अरबुदांचल अर्थात माउंट आबू, जो कि 3.3 अरब वर्ष पुराना है, पृथ्वी की सबसे पुरानी धाती है। आइए आज हम आपको परिचित करवाते हैं इतिहास के उस कालखंड से जहां पर आज के स्वामी विवेकानंद आए तो थे नरेंद्र के रूप में, लेकिन यहीं से उनका नाम व रूप उभर गया स्वामी विवेकानंद के नाम के साथ। स्वामी विवेकानंद जी राजस्थान भ्रमण करते हुए माउंट आबू में आते हैं और जयपुर से मिले संपर्क सूत्रों के आधार पर वे माउंट आबू के किशनगढ़ हाउस में कुछ दिन ठहरे। आपको दिखाई जाने वाली यह तस्वीर, जो कभी किशनगढ़ हाउस के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसे किशनगढ़ हाउस ए हेरिटेज होटल का नाम दिया गया है। यहाँ पर राज सिंहासन की कोटी होने से लोगों की चहल पहल ज्यादा थी, जिससे वे विचलित होकर यहाँ से कुछ दिनों बाद ही अलवर हाउस चले गए। यहाँ पर भी लोगों की भीड़ व अंग्रेजों का उनसे प्रभावित होना उनके परेशानी का कारण बनता था। उस वक्त के ज्ञानी पुरुष को ये पता था कि उनकी असली मंजिल तो कहीं और है। यहीं से शुरू होती है उनके जीवन की नई राहें, जिनका उन्हें इंतजार था। जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए पहुंच जाते हैं माउंट आबू। स्वामी विवेकानंद को बताया गया कि अनिवार्य, और वो तुरंत यहाँ आ गए, क्योंकि वो सबसे पहले अलवर आए थे, तो अलवर कोठी में आकर वो माउंट आबू में रहे। किंतु वो गर्मी का मौसम था, हलचल बहुत होती थी, अंग्रेज भी आते थे, और अलवर कोठी से उनका मन उब गया। और उसी समय किशनगढ़ महाराज जो थे, उन्होंने उनको अपना अतिथि बनाया किशनगढ़ घर में, क्योंकि वहाँ पे भी हलचल कुछ ज़्यादा थी, क्योंकि गर्मी का मौसम था, बहुत लोग आते थे घूमने फिरने के लिए, और पोलो होता था, अंग्रेज भी बहुत उत्साहित होते थे। तो अंत पर्यंत उन्होंने सबको त्याग कर, एक गुफा है नक्की के तट पर, इसको चंपा गुफा कहते हैं, वो वहाँ जाकर अप्रैल से जून तक वहाँ रहे। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई देती नक्की झील में अटखलियां करते इन पक्षियों के चहचहाट की आवाज यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। वर्तमान में लोगों से गुलजार नक्की झील में तैरती ये कश्तियां, जहाँ कभी स्वामी जी के सिवाय कोई और नहीं हुआ करता था,
आइए हम आपको ले चलते हैं माउंट आबू की उस नक्की झील के किनारे, उन हरी भरी वादियों के बीच स्थित उस चंपा गुफा की ओर, जहाँ स्वामी जी ने कभी तपस्या की थी। आपको बता दें कि स्वामी जी की गुफा का एक पुराना सा बोर्ड जिस पर चंपा केव का जिक्र है, थोड़ा आगे बढ़ने पर दिखाई देती है वो तिलस्मी गुफा, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपको दिखाई देने वाला ये मंजर कोई और नहीं, वही गुफा है जहां कभी स्वामी जी के पावन कदम यहां पड़े थे। बरगद के पेड़ों के नीचे बनी टूटी फूटी गुफा कभी स्वामी जी के सपनों का मंदिर हुआ करती थी, आज अपनी दुर्दशा के आंसू बहा रही है। यहाँ तक तो बड़ी उत्सुकता थी उस जगह को देखने की, लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो मंजर कुछ और ही था। गुफा की टूटी फूटी दीवारें अपनी व्यथा सुनाती नजर आई, टूटी पड़ी पानी की टंकी व गमले अपनी दुर्दशा किस तरह बयां कर रहे हैं। यदि गौर किया जाए सफाई व्यवस्था की, तो सफाई से यह गुफा कोसों दूर है। टीवी स्क्रीन पर दिखने वाला यह लाल दरवाजा कभी स्वामी जी का आशियाना रहा है। दरवाजे के पास दिखने वाली गुफा भी अपनी दास्ता की कहानी बयां करती नजर आई। यहाँ के लोग इसे राष्ट्रीय धरोहर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं। आइए ले चलते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर बने स्वामी जी के एक स्मारक पर। यहाँ लगी उनकी मूर्ति उनकी यादें ताजा करती है, साथ ही यहाँ आने से मन में शांति व भाईचारे की भावना पैदा होती है। माउंट आबू की चंपा गुफा, जहाँ पे की विवेकानंद ने तपस्या की 3 महीने तक, उसको राष्ट्रीय धरोहर नहीं बनाया गया। और इससे भी बड़ी विडंबना ये लगती है कि जितनी भी बिब्लियोग्राफी हमारे पास है, प्रमाणित बिब्लियोग्राफी, वो सारी की सारी हमें सुदूर 7 समुद्र पार एक ऐसे व्यक्ति से मिलती है जिसका नाम है फ्रैंक पॉल्थ्रो। अगर कोई भी उस साइट को देखना चाहता है, उसका नाम है vivekanand.org, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और फ्रैंक पॉल्थ्रो से संवाद भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छा लगता है कि कोई भारत में या विश्व में कहीं पर भी उनके साथ श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद की बात करें। पिछले वर्ष उनके सहयोग से हमने माउंट आबू में विवेकानंद वॉक प्रारंभ किया था। उस वॉक को उस तरह से किया था जिस तरह से आस्ते आस्ते स्वामी जी हॉलीडे होम से, अर्थात अलवर हाउस से नक्की पहुँचे थे। हॉलीडे होम अलवर हाउस, वहाँ से चलकर किशनगढ़ हाउस, वहाँ से चलकर सोफिया जहाँ पे खेतरी हाउस था, जहाँ पे स्वामी जी को ये नाम मिला स्वामी विवेकानंद, खेतरी महाराज ने दिया था। इसी माउंट की धरती पर विधि का विधान कहे या एक संयोग, जहाँ स्वामी जी की मुलाकात श्याम सुंदर वर्मा से होती है। उन्हीं के सहयोग से आने वाला समय उनके लिए खेतड़ी महाराज अजीत सिंह से मिलवाने का संजोग व भूमिका बनाता है, जहाँ पर वे नियमित रूप से सत्संग के लिए जाते थे। उल्लेखनीय है कि इस खेतड़ी हाउस में तत्कालीन साधुओं की एक सभा व भंडारे में उनका नामकरण नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद के रूप में किया गया, और आगे चलकर यहीं से उनके कनाडा में आयोजित होने वाली धर्म संसद में भाग लेने की राह प्रशस्त हुई। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानी श्याम सुंदर वर्मा जी के पैतृक निवास स्थान को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। इस चंपा गुफा में अखंड तपस्या करने के बाद नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद तो बन गए, लेकिन चंपा गुफा को राष्ट्रीय धरोहर का आज भी इंतजार है। देश स्वामी विवेकानंद के त्याग व बलिदान को कभी भूल नहीं सकता, और न ही भुलाई जा सकती है उनके भाईचारे की दी हुई प्रेरणा। तिरुवनंतपुरम का एक ऐसा स्थान जहां स्वामी जी मात्र 3 दिन ही रुके थे, जहां आज भी लोग मेले के रूप में वहां पहुंचते हैं, लेकिन एक ऐसी गुमनाम जगह जिसे कोई नहीं जानता, एक ऐसी गुफा जहां स्वामी जी ने अपना एकाकी जीवन बिताया था, एक ऐसी वीरानी जगह जहां नरेंद्र नाम से स्वामी विवेकानंद नाम की उपाधि मिली थी। विडंबना की बात तो ये है कि इस जगह को आज भी राष्ट्रीय धरोहर का इंतजार है। अब देखने वाली बात ये होगी कि केंद्र व राज्य सरकार का ध्यान इस ओर कब जाता है। भगवान एस खिंदाकोर, माउंट आबू न्यूज टीवी इंडिया। ताज़ा न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।